पानी की समस्याएं केवल वो समस्या है जिनके हम नाचार है, जिसमें हमारे पूर्व विधायक मंजीत जी और ठेकेदार साहब जो भी यहाँ के थे और यहाँ के कुछ अधिकारी गण जिन्होंने जेजीएम में मिलकर के भ्रष्टाचार किया था, वो 20 गांवों का केस ईडी के हाथ में वो कोर्ट में है। इसके लिए भी हमने बात की है, कोर्ट तो पता नहीं अपना फैसला कब देगा, क्योंकि कोर्ट तो अपना फैसला, पर जो लोग साहूकारी की बात करते हैं ना, एक गांव में चले जाओ जहां भी बलजीत के टाइम में जेजीएम के काम हुए थे, इससे ज्यादा तो भ्रष्टाचार के प्रमाण नहीं होता। किसी को गाली देने से ही आगे पाक साफ नहीं होता है कि मुझे गाली दे ली इससे पाक साफ हो गया। ये गारंटी थी जो नाली पाइप डलेगा उसका तुरंत प्रवाह से मरम्मत होगी। एक भी गांव में उसकी मरम्मत नहीं, करोड़ों रुपए बचे इसका, सीमेंट रोड छोटे पूरा कंक्रीट डलना था, कहीं नकली मोटर, कहीं नकली तार, कहीं नकली पाइप, तो उन गांवों के अंदर परेशानी है। बाकी जिन गांवों में थी उनके अंदर सारा सामान पहुंच रहा है, और आचार संहिता के बाद में हमने और ट्यूबवेल मंजूर करा लिया है, आचार संहिता कार्ड को नहीं लगता है। इन गांवों में भी जिनमें विधायक अधिकारी और ठेकेदार ने मिलकर जो भ्रष्टाचार किया था, उसमें लोगों को क्या, लोगों का क्या गुनाह है? लोगों का गुनाह तो है नहीं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो मैंने देखा नहीं। पंचायतों ने भी हजार हजार रुपए की रसीद काट दी फर्जीवाड़े में, कोई कानून में ही नहीं था। उनके पास है वो जाके दिखाते हैं कि साहब हमारा क्या दोष, हमने तो करेक्शन लिया जबकि ऐसा था नहीं। तो उनके लिए भी हमने अतिरिक्त व्यवस्था ये कराई है, गवर्नमेंट से बात की है, मुख्यमंत्री से बात की है, चीफ मिनिस्टर से मैंने खुद ने बात की है, और कल सेक्रेटरी से बात की कि तुरंत प्रभाव से जैसे आचार संहिता हट जाए उन गांवों को अपनी तरफ से अलग बोरिंग करा देते हैं। ये तो केस का पता नहीं अब कब तक चलेगा, वकील कब तक खींचेगा, तो इसकी भी व्यवस्था हो जाए। और बताइए बिजली की व्यवस्था में सुधार हो गया, जीरो पेंडेंसी आ गई है। अब जो हमारी बिजली कटौती 2-3 घंटा होती है, परेशानी है, लेकिन ये हमारे जो जीएसएस चल रहे हैं जितने भी, इन पे भी गवर्नमेंट ने, इतना बिजली विभाग ने इतनी कमर कस रखी है कि सारे कूलर जितने भी थे सारे किराए पे ले लिए, ठंडा रहे लोगों को। पर हमारा दूसरा जल्दी वो चालू कर रहे हैं, और सीएम साहब ने कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर एक के बाद में इतना सुधार कर देंगे कि रात दिन एक कर दिया। कल सीएम ने स्पेशली सेक्रेटरी को आदेश दिया था, खुद जाओ मौके पर, कौन सेक्रेटरी आओ गाँव में, आदेश दिया है। सेक्रेटरी ने मुझसे बात की क्योंकि कानून में मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता था आचार संहिता की वजह से, पर टेलीफोनिक तो बात कर ही सकते थे, तो मेरे पास उनका टेलीफोन आया, साहब आपके क्या क्या सजेशन है, अगर आपकी ये बाध्यता है तो आप अपने सजेशन बता ही सकते, सारी बात बताई। सीएम से बात की मैंने, सीएम पंजाब में था, फिर मेरा फोन उठाया, मैंने कहा आपका सेक्रेटरी आया है, पर इसको आप ले तो कल या परसों में इनकी सभी की मीटिंग बुला रहे हैं। 10 दिन का नाम लिया, 10 दिन के अंदर हर तरह से पानी, बिजली और दवाइयाँ हमारे यहाँ फुल है, खूब है। जो मशीनें खराब पड़ी हुई हैं उनका भी हमने कहा तुरंत जाँच कराओ। अब कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो बड़ी मशीन है, इनके अंदर आदमी कोई कुछ ही भाषण दे जाए, पर आचार संहिता तो आचार संहिता ही, 4 दिन 10 दिन की बात है। मेरा कार्यकाल वो कहता है कि मैंने पैसा नहीं लगाया, मैं पैसा लगाऊंगा कहाँ से, मुझे 5 करोड़ रुपए सड़कों में मिले थे, वो सारी सड़कें के पैसे फाड़ दी सड़कें 5 करोड़ की। अब वो जैसी आचार संहिता खत्म होगी चालू है, वो थे ही सड़कों कहते सड़कों में नहीं मिले, 50 बोरिंग लग ली है, अब उनका उद्घाटन तो आचार संहिता की वजह से नहीं कर सकते। और मेरा खुद का बजट का मैं स्वीकार करता हूं, मैं किस तरह उसकी तरह अनपढ़ तो हूं नहीं, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हाँ मैंने मेरा जो एमएलए बजट होता है वो एक रुपये इसलिए नहीं लगा पाया, मैं पाया ही नहीं, पहले केंद्र सरकार का बजट पास होगा, फिर राजस्थान सरकार का बजट पास होगा, फिर हमारे मध्य में आएगा। अभी तक जो राजस्थान सरकार के 5 किलोमीटर के 5 करोड़ रुपए दिए थे, हाथ के फटाफट जाके वो सड़क के गांव वालों को बता दी तुम्हारी सड़क मंजूर कर दी उसके।
बाद तो केवल मैं एक निवेदन करता हूँ, आपके ही माध्यम से कर सकता हूँ, वैसे तुम्हारी बोलचाल है नहीं बलजीत से, कि यार गाली देना है 4.5 साल तक थक लाओ, कब तक गाली डाले, और उसके बाद ये पता नहीं कि परसीमन में सीट का किस तरह का हिसाब बैठे, महिला आवे पुरुष आवे कौन सा टुकड़ो कहाँ कर जाए, तो इसलिए अब उसके भाग्य में तो तड़फना रह गया। तो मैंने भी छुट्टी कर दी, मैं तो जब पैदा हुआ तो मुझे तो उस संस्कार की घुटी मिली थी कि जिसमें सबकी इज्जत करो, बलजीत जी के यहाँ गलती हो गई, उसको घुटी मिली कि तेरा काम है सुबह शाम तक गाली देना। अब बताओ कि दारू पी लेता हूँ 6 बजे, दारू पिए मैं तो जब पीता था तो शेर, जब MP का चुनाव लड़ रहा जब भी रोड के बीच पी, जनता के बीच पी, अब मैं नहीं पीता हूँ, अभी तो मुझे 6 महीना 4 महीना मार रो थो। अब मरने वाला आदमी अपनी जिंदगी की सोचेगा दारू पिएगा, खुद ही सोच रहा थी। मैंने मेरे कैंसर हुआ, 1 बार नहीं हुआ 2 बार हुआ, मैं किसी छुपाया नहीं, बीमारी तो भगवान के हाथ में, तो जब हुआ तो हुआ, पर जो आदमी कैंसर से ठीक हो गया हो वो दारू पिएगा मर जाएगा, तो अभी मैं मरना चाहता नहीं, मैं उसकी छाती में मुंह डालना चाहता हूँ। इसलिए ये बातें, मैं क्या खाता हूँ क्या पीता हूँ, मेरा लड़का क्या खाता है, मेरा लड़का क्या पीता है, उसका लड़का क्या क्या करता है, पहले अपनी ओर लाता हूँ सुधारे इंसान, दूसरे को लाते बाद में उंगली उठाए। गालियां देने से ही राजनीति नहीं होती, पर पकता खूब हो लिया भाई, आपने सड़क के 5 करोड़ का अपने सारे को ठेका छुड़वा दिया, वो सारे अड़क में एक पेड़ दिखा दो, गरीबों का 5 करोड़ का आटा ठोक गया वो दिखा दो, सारी कॉलोनियां कटवाई, अरे हमको तो आज तक तो कहीं अफसर से एक पैसा लिया नहीं, और जिस दिन कोई ऐसी बात आएगी तो मैं बलजीत से मांग लूंगा, मैंने 50 लाख उससे ले लिए ना खुद से सर लगा के, मेरे भाग्य में थे, और जो सजा जो उसने कुकर्म किए थे उसकी सजा उसको तुरंत दे दी थी। इसलिए यही होता है राजनीति, पर इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। 24 घंटा गाली देते रहो, गाली देते रहो, गाली देते रहो, रोज फोन करो ना, खूब फोन आते हैं उसके आदमियों के, जनता के फोन नहीं आते उसके, आते हैं, मैं उनसे खुल के बात करता हूँ। वो तो 9 बजे की बात कर रहा था, मैं तो रात को 12-12 बजे तक उसके आदमी दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद में फिर फोन मिला के देखते हैं, आप बताओ भाई आगे बलजीत आज भाई चल बात कर। टीम राणा SHO के 2-3 मेरे पास शिकायतें आ रही, तो SHO बन गया तो खुदा तो नहीं है कि एक गया वहां का ढुंडाड़िया का मिलने का, उसको माँ बहन गाली दे, क्या SHO काम है कोई मिलने जाए खुपरिया जाए उसको माँ बहन गाली दे दे। हमारा मंडल अध्यक्ष का लड़का गया 80,000 रुपए भी ले लिए और उसको माँ बहन की गालियां देकर उसको भगा दिया, कब तक रहेगी आचार संहिता? अगर SP में दम है, तुम्हारे आपके सामने SP से बात की है, SP दम है न्यायप्रिय तो जांच करें, खुली जांच करें, और अगर SP भी कामयाब नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा आचार संहिता के बाद, पर इस तरह की हरकत यहां नहीं चलने दी जाएगी।